पश्चिमी सिंहभूम के सभी गणमान्य नागरिकों के लिए और प्रशासन के लिए एक गर्व की बात है कि आज हम लोग कायाकल्प अवार्ड्स जो इस साल जो हेल्थ फैसिलिटीज़ को दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, उसमें पूरे स्टेट में सेकंड प्लेस में हम लोग का सदर हॉस्पिटल आया है। कुछ ही कम मार्क्स में हम लोग फर्स्ट प्लेस से पीछे रह गए, कुछ टेक्निकल कारण से नहीं हो पाए, बट उम्मीद है कि भविष्य में हम लोग आने वाले सालों में फर्स्ट प्राइज भी लाएंगे। अभी कुल मिला के अगर आप संख्या के पॉइंट से बात करेंगे तो पूरे राज्य में सर्वाधिक संख्या में हम लोगों को अवार्ड्स इसमें मिला है। विशेषकर जो CHC कैटेगरी है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का जो कैटेगरी है, उसमें सर्वाधिक संख्या में चार हमारे चक्रधरपुर SDH और मनोहरपुर कुमारडुंगी और जगन्नाथपुर, तीनों CHC एक एक लाख रुपया अवार्ड इसमें जीते हैं, कमेंडेशन अवार्ड्स जीते हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी अवार्ड्स में भी हम लोगों का जरायकेला, खड़ीमाटी और पंपाड़ा और नकटी चारों का अवार्ड्स आए हैं। और कुल मिला के अगर आप प्राइज मनी की बात करेंगे तो करीब 11 लाख रुपया का अवार्ड एक इंसेंटिव के रूप में इन कुल 9 फैसिलिटीज़ को हम लोगों का अवार्ड्स मिला है। तो मैं मानता हूँ कि अगर पिछले साल अगर आप देखेंगे तो केवल एक ही जरायकेला PHC को ही अवार्ड मिला था, इस साल वो संख्या बढ़कर हम लोगों का टोटल 9 अवार्ड्स हम लोगों को मिला है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इसी रफ्तार में जो स्वास्थ्य सुविधाएं सर्विस डिलीवरी इस जिला में और सुधरेंगे आने वाले दिनों में, पूरे राज्य में एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट के रूप में हम लोग स्वास्थ्य सुविधा देने में आगे रहेंगे। और इसमें इस कार्य में जो टीम जो काम किया है, माननीय सांसद महोदया हो, सभी माननीय विधायकगण हो, जिला के कार्यरत सिविल सर्जन और अन्य स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी हो, विकास संबंधित उप विकास आयुक्त और सभी नोडल पदाधिकारी, इजाज अनवर, सभी एक सामूहिक प्रयास रहा सभी पदाधिकारियों का। और स्वास्थ्य विभाग का भी जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मी है, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत करके जिला का नाम रोशन किया। मैं अभी भी उम्मीद करूँगा कि ये एक केवल एक पहचान है, लेकिन जब तक जनता, जो सर्विस लेने वाली हमारी जनता है, वो अपने मुंह से नहीं बोलेंगे कि स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार नहीं आए हैं, तब तक हम लोगों को और मेहनत करने की ज़रूरत है। एक इंसेंटिव, एक अच्छा इंकरेजमेंट के रूप में इसको ज़रूर देख सकते हैं। और मैं आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी एक स्टेट ऑफ द आर्ट ICU भी इस जिला में बनने वाली है, उसके लिए भी कार्य काफ़ी तेज़ गति से चल रही है, ताकि हम लोग एक अब 6 महीने के बाद अगर आप इस जिला में देखेंगे तो एक अच्छा ICU की व्यवस्था दो पॉइंट पे, यानी चक्रधरपुर रेलवे हॉस्पिटल में भी रहेगा और सदर हॉस्पिटल में भी अच्छा ICU व्यवस्था रहेगा, ताकि कोई भी रोड एक्सीडेंट हो या कोई भी अन्य विषम परिस्थिति में किसी के जान को बचाने में हम लोग आगे रहें। तो मैं सभी पदाधिकारियों को, माननीय जनप्रतिनिधिगण को और सहयोग देने वाले सभी पत्रकार मित्रों को और यहाँ के गणमान्य नागरिकों को, सभी को मैं हार्दिक बधाई भी देना चाहता हूँ और उम्मीद भी करूँगा कि इसी सहयोग से आने वाले सालों में और हम लोग आगे बढ़कर और कई सारे अवार्ड्स जीतेंगे।